हेलो एवरीवन, सो होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। In this lecture, we are going to discuss Amazon S3 bucket. So, when you talk about Amazon S3 bucket, first let's go through the documentation. Basically, according to the documentation, they say Amazon S3 is basically used to store, manage, and analyze any amount of data, protect any amount of data virtually. Basically, it's like, I think you may understand, it's like an independent storage. According to the documentation, such data lakes where the data has been stored, and cloud native applications and mobile applications is used. Basically, कि इन सब चीजों में जहां हम डेटा स्टोर कर सके डेटा लेक्स की तरह, उसको हम S3 बकेट के नाम पे बोलते हैं। मतलब बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्टोरेज एरिया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, यूजर गाइड में लिखा हुआ है, बेसिकली इट्स एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विसेज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज एंड अ ब्लॉक स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर एग्जाम्पल आपका गूगल क्लाउड, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विसेज एंड क्लाउड स्टोरेज एंड ब्लॉक स्टोरेज सर्विसेज इज दैट ब्लॉक में क्या होता है, जैसे हमारा अपना कंप्यूटर वो ब्लॉक स्टोरेज यूज करता है, और वही अपना गूगल क्लाउड वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज करता है। दोनों में द मेन डिफरेंस इज इन ब्लॉक स्टोरेज, जो भी डेटा हम लोग उसमें स्टोर करते हैं वो ब्लॉक्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। रादर देन इन ऑब्जेक्ट स्टोरेज, वो हम डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस एंड अ ब्लॉक स्टोरेज सर्विस। सो अमेजोन S3 इज अ ब्लॉक स्टोरेज सर्विस, और इसमें यही लिखा हुआ है कि इट इट हेल्प्स टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट एनी अमाउंट ऑफ डेटा इन द रेंज। इट मीन्स हम S3 बकेट एक अपना बनाएंगे, अमेजोन S3 बकेट एक बनाएंगे, उसमें हम अपना सबसे पहले तो अपनी एक फाइल डालेंगे और भी उसको हम स्टोर करेंगे, और फिर उसको हम फर्दर बताता हूँ क्या करेंगे। लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। दिस इज अ सिंबल ऑफ अमेजोन S3। S3 मीन्स सिंपल स्टोरेज सर्विस। सो डेटा Data is stored in objects in a bucket, okay? Virtually unlimited storage होता है अपने पास, लेकिन single object है वो 1 TB तक का store कर सकते हैं। Nothing more, okay? Yes, so the common scenarios S3 bucket कहाँ use होता है? First backup and storage. Obviously अगर हम storage की बात करें तो backup करने के लिए तो काम आएगा ही। Second is application hosting. This is the part जो हम आज करने वाले हैं। एक एप्लीकेशन को होस्ट करके मीडिया होस्टिंग, डायरेक्टली मीडिया को भी होस्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिलीवरी, जैसे अमेजोन S3 बकेट हमारे AWS पे है, और CCTV कैमरा हमारे घर पे लगा हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसका कनेक्शन S3 बकेट में डाल सकते हैं। इससे क्या है कि हम मतलब इसमें जितना भी रिकॉर्डिंग होगा वो ऑटोमेटिकली स्टोर होता रहेगा। फिर EC2 इंस्टेंस में जो भी चीज़ें होती है कॉर्पोरेट सेंटर्स में, हम S3 बकेट से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के स्टोरेज को S3 बकेट से जोड़ सकते हैं, या किसी एप्लीकेशन को S3 बकेट में डालकर इसको रन कर सकते हैं। इस केस में हमारे मेमोरी हमारे कंप्यूटर के लोकल सिस्टम की या फोन की मेमोरी यूज नहीं होगी, S3 बकेट की मेमोरी यूज होगी, और हमें पता है कि इसमें अनलिमिटेड मेमोरी होती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूव टू द कि हम कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं काम करता हूँ क्योंकि हम एक एप्लीकेशन होस्ट करने वाले हैं, तो मुझे एक मैंने एक कोड यहाँ किया हुआ है। आप ChatGPT से जाकर कोई भी HTML का कोड कर सकते हो। HTML का कोड अब मैं सब क्या काम आने वाला बताऊंगा, पहले इसको मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पर आके मैं एक सिंपल HTML डॉक्स बना लेता हूँ। डेस्कटॉप में कहीं भी आपको एक index.html की फाइल बनानी है जिसको हम होस्ट करेंगे, ठीक है? ओके, सो मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर index.html। मैं ये काम पहले भी कर सकता था, पर आई थिंक आपको मैं बताना चाह रहा था कि आप कैसे कर सकते हो इसको, क्योंकि बहुत लोग इसमें न्यू स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, जिनको ये भी नहीं आता कि index.html कैसे बनाए। और ये काम आप VS Code में कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको नॉर्मल अपने नोट पैड में कर सकते हो। तो एक HTML की फाइल है ये, इस फाइल को मैंने पेस्ट किया यहाँ पर। ये बहुत बेसिक सी फाइल है, इसको आप रन करना चाहो तो आप रन भी कर सकते हो। आपको लाइव सर्वर पर रन करते हैं HTML के फाइल्स। okay.
तो ये हमने किया है, अब हम इसको होस्ट करेंगे अपने में। पहले हम इसको स्टोर करेंगे अपने S3 बकेट में, फिर इसको हम होस्ट करेंगे। ओके, तो ये खुल गया हमारी HTML फाइल। ये देखो अभी लोकल होस्ट पर चल रही है, दिस इज द फाइल जो चैट GPT ने बनाई थी। ठीक है, ये कुछ इस टाइप में दिखेगा। अब ये लोकल होस्ट में मतलब तो मेरे सिस्टम पे है, तो मैं चाहता हूँ इसको मैं अपने S3 में स्टोर करूँ और फिर वहीं से होस्ट करूँ। और देखो ये कहाँ पर स्टोर है, ये देखो index.html दिखेगा। हाँ, ये index.html यहाँ पर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। कैसे करें हम वो देखते हैं। बेसिकली आपको पहले कंसोल में आना है, अपने कंसोल बोलो, अपने डैशबोर्ड में आना है अमेजोन के। यहाँ लिखना है आपको S3, सर्च करना है स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड, ये आ जाएगा। इसे को क्लिक करना है तो आपका ये S3 का मॉड्यूल खुल जाएगा, कंसोल मैनेजमेंट कंसोल। ओके, सो यहाँ पर आके आपको इस टाइप की कुछ चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर एक मेरे नाम का एक बकेट बना हुआ है ऑलरेडी, पर मैं एक और बकेट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्रिएट बकेट किया, आई नीड टू मेक द बकेट टाइप मस्ट बी जनरल पर्पस, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी नहीं चाहिए। ओके, और यहाँ पर अपना बकेट का नाम डालना है, पर मेक श्योर डैट ये जो बकेट का नाम है वो यूनिक होगा, यूनिक इन द सेंस कि ग्लोबली उसको कोई यूज़ नहीं किया होगा, ऐसा कुछ करना है। तो मैं कर देता हूँ बकेट 01, ये तो 01 01, ये कुछ यूनिक रखना है आपको। नेक्स्ट इज ACL, इट इज इम्पोर्टेंट कि ACL आपको अभी डिसेबल है, इसमें आपको इनेबल रखना है। ओके, ACL क्या होता है? ACL इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इट मींस कि आपके इस S3 बकेट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ओनरशिप दे रहे हैं आप बेसिकली। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यस, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि इनेबल रखें, यानी कि मैं इसमें एक्सेस देना चाहता हूँ ताकि लोग इसको एक्सेस करें। ये तो फिर ये इसको पब्लिक करने का फायदा क्या है, मैं पब्लिक करना चाह रहा हूँ ना। नेक्स्ट इज सेम थिंग, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, मैं इसको अनब्लॉक करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको पब्लिक एक्सेस मिले, और फिर आई एक्नॉलेज। ओके, नेक्स्ट इज वर्जनिंग, वर्जनिंग मैं इसको इनेबल करूँगा। वर्जनिंग इन द सेंस कि जैसे मैंने अभी कुछ चेंज किया, मेरे पास मैंने स्टोरेज में डाल दिया कुछ फाइल और मैंने इसमें कुछ चेंज किया, तो चेंज करने के बाद जो फाइल आ गई, अब मैं चाहता हूँ मैं वो वापस पुरानी वाली फाइल चाहिए। जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ गिट हब, मुझे पुरानी वाली फाइल चाहिए, तो मैं पुरानी वाली फाइल कैसे लूंगा, वो मैं वर्जनिंग अगर इनेबल रखूंगा तो मैं पुरानी फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम चेंज करते हैं उससे पहले हम इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट का स्नैपशॉट लेने के बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको इसको इनेबल करना है सिंपल भाषा में, फिर आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और क्रिएट बकेट, अगर आपका ये क्रिएट बकेट नहीं हो रहा है तो आपको आपका जो नाम है वो यूनिक नहीं है, तो आपको उस नाम को चेंज करना पड़ेगा। देखो मेरा हो गया, मतलब ये मेरा नाम यूनिक था, यहाँ पर हम पहुँच गए, ये हो चुका है। अब हम इस बकेट में जाएंगे जो हमने बकेट बनाया है अभी, इसमें से क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप में आएगा। फिर अब हम इसमें अपलोड करेंगे, अपलोड वाले बटन में जाएंगे, या हम अपने डेटा कुछ डालना चाह रहे हैं इसमें, ऐड फाइल्स। अब हम कोई फाइल्स डालेंगे, फिर तो डेस्कटॉप में जाके लेट्स सी, इंडेक्स और जो हमारी फाइल थी वो हमने सेलेक्ट कर ली, ये हमारी इंडेक्स फाइल है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और फिर हमें कुछ नहीं करना, इसके प्रॉपर्टीज में भी देख लेता हूँ, अपलोड पहले कर लेते हैं। ओके, अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी जो HTML की फाइल थी उसको हमने अपने S3 में अपलोड कर दिया, क्लोज। ओके, ये हमारा फाइल आ गया। अब हमें क्लिक करेंगे, हम देख सकते हैं कि हमारी फाइल थी, हमारे पास ऑब्जेक्ट URL आ चुका है, हमारे पास सब कुछ आ चुका है इसका। ठीक है, ये हमारा फाइल का है। परमिशंस पे जाएंगे और हम अपने परमिशंस को इनेबल तो कर दें कि लोग आए तो हमारे एटलीस्ट देखे, तो हम जितने भी रीड के जितने परमिशंस थे उसको हम इनेबल कर देंगे। आई अंडरस्टैंड एंड सेव चेंजेस, मैंने क्या किया मैं बता रहा हूँ अभी आपको। फिर से मैंने इसमें गया, मैं मतलब मैंने सेम फाइल है HTML index.html फाइल में था, अब इसको जो एक्सेस करेंगे उसको परमिशन देना पड़ेगा, तो परमिशन में गया, एडिट में गया, उसके बाद मैंने सबको रीड के परमिशन दे दी, जो भी परमिशन थी राइट की नहीं थी रीड की दे दी, और फिर मैं आई अंडरस्टैंड किया और फिर सेव चेंजेस कर दिया।
इससे क्या है, अब जितने भी लोग मेरे इंडेक्स रजिस्ट्री में एक्सेस करेंगे वो मेरे देख सकते हैं इस फाइल को, बेसिकली ये है। और हमें कुछ नहीं करना इस चीज़ में, फिर वापस अपने बकेट में जाएंगे। बकेट में जाने के बाद हम अपने प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप देख सकते हो ये हमारे बकेट की प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। इसमें हमें काम है लास्ट की, कि अब हम अपने स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट भी करना चाहते हैं। इसको हम देखो अभी ये डिसेबल में है, इसके बिना, इसका मतलब अगर ये जब तक डिसेबल में रहेगा तब तक इसको होस्ट नहीं कर पाएंगे। इसको हम होस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें, हमने देखा था S3 हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, तो हम इसको इनेबल करेंगे। और जो मेरा मेन फाइल है उसको मैं डालूंगा index.html, जो कि इसका नाम था, ठीक है। और एरर, अगर आपके में कोई एरर फाइल भी है तो आप एरर फाइल का भी नाम दो। पर ये फाइल डालने का नाम क्या है कि अब ये हमारा डिफॉल्ट पेज है, जो स्टार्टिंग होगी यहाँ से होगी, ये हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया। फिर मैं सिंपल कुछ नहीं, सेव चेंजेस करूँगा। ये हमारा हो गया सक्सेसफुल। नेक्स्ट हम अब अपने बकेट में ही है, परमिशंस में देख लेते हैं। परमिशंस में क्या है, परमिशंस में भी हमारा, अब हमें कुछ नहीं करना बेसिकली। हम वापस आते हैं अपने प्रॉपर्टीज में, लास्ट में जाओ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। अब हम इसमें क्लिक करेंगे, अगर ये हमारा जो लिंक है इसमें क्लिक करेंगे तो देखो हमारी जो वेबसाइट है होस्ट हो चुकी है। ये हमारा उसका URL, इधर हमें क्लिक करना है, दोबारा URL पेस्ट करके दिखाओ। देखो दिस इज होस्ट है जो हमारी वेबसाइट है। तो हमने अपनी वेबसाइट भी होस्ट कर ली S3 बकेट के थ्रू। अब ये हमारा जो URL है इसको आप कहीं भी ग्लोबल यूज कर सकते हो। तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया, हमने ना इसमें वर्चुअल मशीन बनाई, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में करते थे, वो अपनी वर्चुअल मशीन बनाते थे, फिर उसमें हम डालते थे अपने फोल्डर्स को, वहाँ होस्ट करते थे। नहीं, हमने इसमें एक अपना S3 बकेट बनाया। अब S3 बकेट बनाने के बाद हमने क्या किया, बकेट बनाया, फिर उसमें अपने अपने अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल डाली, और फिर उसको हम लोग डायरेक्टली स्टैटिक होस्ट कर दिए, ठीक है। दिस इज द चीज। अब आप चाहते हो कि इसमें कुछ और चीज़ डालो आप S3 बकेट में, और उसमें आप कुछ होस्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और हाँ, आपको एक टास्क दूंगा, आप चाहो तो इसमें एक अपना फोल्डर डाल सकते हो, गेटअप या गेटअप गेटअप का एक फोल्डर डालो, उस फोल्डर को आप अपलोड करो और उस फोल्डर से होस्ट करने का ट्राई करो। दिस इज द टास्क गिव यू, और ये आप काम करो। कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट करना, और डू टैग योर गेटअप अगर कोई, मतलब कोई भी दिक्कत होती है इस चीज में, कोर्स वगैरह में, तो डू टैग और शेयर कि जो आपने इस लेक्चर में सीखा है वो शेयर करो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो, होप इट्स क्लियर जो हमने किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें AWS की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।